रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। अक्टूबर से चलेगा संचारी रोग अभियान, सीएम योगी करेंगे शुभारंभ। गोरखपुर में सीएम योगी श्रद्धांजलि सभा में हुए सम्मिलित, महंत अवैद्यनाथ की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि समारोह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जाएंगी लंदन, ब्रिटेन की महारानी के अंतिम संस्कार में होंगी शामिल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे सूरत, बायो इथेनॉल परियोजना का किया शिलान्यास। टेक ऑफ से पहले एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट के इंजन में लगी आग, सुरक्षित निकाले गए सभी यात्री। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, आइए रुख करते हैं खबर की ओर। पूरा देश राष्ट्रीय हिंदी दिवस मना रहा है, वहीं राजकीय बालिक इंटर कॉलेज अमेठी की प्रिंसिपल डॉक्टर फुलकली गुप्ता ने कहा कि सिर्फ हिंदी दिवस मनाने से कुछ नहीं होने वाला, बाकी दिनों में उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। साथ ही उन्होंने कहा है कि जब तक हिंदी को राजभाषा के बजाय राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिले और अदालती कार्यों में हिंदी का प्रयोग नहीं बढ़ाया जाएगा, तब तक हिंदी का प्रचार प्रसार नहीं हो सकता है। आज हिंदी दिवस है, ऐसे में हिंदी का विकास किस प्रकार होना चाहिए कि यह जन जन की भाषा बन सके, इसके लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए, क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि जब हम अपने प्राचीन काल का अवलोकन करते हैं तो ये देखते हैं कि एक समय ऐसा था कि जब संस्कृत जन जन की भाषा थी और बहुत लोकप्रिय भाषा थी, बाद में पाली और प्राकृत भी आई। उसी तरह से हिंदी हमारी सुलभ और वैज्ञानिक भाषा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके प्रति सौतेला व्यवहार हमारे देश में होता है। और हमारे संविधान में चूंकि इसको राजभाषा का ही दर्जा दिया गया और हमारे देश में बहुत सारे आदेश और बहुत सारे कार्यालयों की प्रमुखतम भाषा अंग्रेजी भाषा है, हिंदी भाषा को उसके स्थान पर उसके समानांतर भी नहीं रखा गया। चंदौली में बबुरी थाना क्षेत्र के दो छात्रों का विवाद सुलझाने गए चाचा पर छात्रों ने चाकू से हमला कर दिया। छात्रों ने पहले मारपीट की और फिर चाकू से हमला बोल दिया। आपको बता दें कि युवक का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा था, जिसके बाद वहां डॉक्टर ने युवक को रेफर कर दिया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी। हाँ, एक मरीज था जिसका नाम संजय कुमार मौर्य, उम्र 36 साल, थाना बबुरी में, यह धनेजा गांव का रहने वाले हैं। वहाँ पता चला कि कुछ ऐसी वारदात हुई या मारपीट या जो भी, जिसमें इनको चाकू लगा हुआ था और शरीर पे करीब 10 घाव थे। हम लोगों ने यहाँ पे उपचार किया, प्राथमिक उपचार, और उसके बाद BHU ट्रामा सेंटर के लिए आगे के इलाज के लिए भेज दिया। मामला, ये संजय कुमार है, ये घर के हमारे छोटे भाई लगते हैं, और ये जो हमारे घर के बगल का लड़का जो है अशोक इंटर कॉलेज में पढ़ता है, तो उससे किसी लड़के से थोड़ा नोकझोंक हुई थी, तो ये बीच में जो है वो बाज़ार में गए थे तो मिल गया, बोले चाचा ये लोग जो है हमें कुछ मार रहे हैं लोग, तो वो गया समझौता करा लेंगे, सुलह करा देंगे, भाई काहे मार रहे हो लड़के बच्चे को, ऊपर आप क्यों लड़ रहे हो, तो सुलह करा भी दिए थे। लेकिन ये जो है बाद में वो किसी और लड़कों को बताया कि भाई ये लोग आए हैं जो है लड़ाई करने के लिए बुलाया है इनको, तो वो आकर के जो है चाकू वगैरह वगैरह तुरंत एकाएक प्रहार कर दिए, धारदार हथियार से मारना चालू कर दिया। खबर गाजीपुर के मेदीपुर इलाके से है, जहां वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई। इस दौरान बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस की जवाबी फायरिंग, एक शातिर बदमाश के पैर में गोली लगने से बदमाश घायल हो गया। पुलिस ने घायल बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं मौके से दो बदमाश फरार हो गए। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से लूट का ट्रक समेत 20,000 किलो लोहे का सरिया भी बरामद किया है, जिसकी कीमत लगभग 16 लाख बताई जा रही है। वहीं दो फरार बदमाशों की गिरफ्तारी कर लिया गया है। वहीं गिरफ्तारी के बाद बदमाशों ने ट्रक ड्राइवर की हत्या की बात स्वीकार की है।
कल 7 बजे से 12 बजे तक चेकिंग के आदेश जो है रात्रि के लिए दिए गए थे। इसमें समस्त वाहन हाईवे एरिया पे सिटी एरिया में चेकिंग करने के आदेश जो है वो दिए गए थे। अभियान जो है वो ज़्यादातर बड़े नक वाहनों को लेके था चेकिंग का। कल चेकिंग के दौरान गहमर नक पुलिस के बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए एक ट्रक तेज गति से रेवतीपुर न होते हुए सुहवल के मेदनीपुर नक एरिया तक पहुँचा। पुलिस की टीमों ने एसओजी नक टीम के प्रभारी और रेवतीपुर नक पुलिस, सुहवल पुलिस और गहमर पुलिस द्वारा उनको इंटरसेप्ट न किया गया। गाजियाबाद के मोहन नगर इलाके में बियर के ठेके पर कुछ लोगों के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद दबंगों ने कर्मचारी की जमकर पिटाई कर दी। पिटाई की यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है, साथ ही उनके बाकी साथियों की तलाश में जुटी हुई है। गोंडा के चंदापुर में बाढ़ के कहर से बचने के लिए बनाए गए सुरक्षा बांध का काम आधा अधूरा रह गया। आपको बता दें कि कुछ हिस्सों में बांध मिट्टी और बालू से ही बना है। इस बांध की मरम्मत कराने के नाम पर जमकर धांधली हुई। बांध का काम पूरा नहीं हुआ है तो लोगों को बांध कटने की आशंका बनी हुई है और कई गाँव में दहशत का माहौल है। आपको बता दें कि जिम्मेदार अधिकारी बांध को नजरअंदाज कर रहे हैं, वहीं लोगों के लिए बांध बड़ी मुसीबत बन सकता है। कानपुर के सार थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार प्राइवेट बसों का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसके चलते आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। ऐसा ही एक मामला संज्ञान में आया जब सब्जी लेकर विक्रम से घर जा रहा युवक जैसे ही विक्रम से उतरा, तभी बेखबर तरफ से आ रही तेज रफ्तार बस युवक को टक्कर मारने के दौरान युवक कुछ दूर तक घसीटते हुए ले गई। वहीं बस चालक ने जब भागने की कोशिश की तो राहगीरों ने बस चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, साथ ही युवक को प्राथमिक इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। जो घटना हुई, एक्सीडेंट कैसे क्या हुआ है? ये टेम्पो से उतरा था और उतर के रोड क्रॉस कर रहा था, स्ट्रीट में बस थी और वो टक्कर मार दिया, हल्ला मारने के बाद भी उसने नहीं रोका, वो बस के नीचे फंसा चला गया उसने। क्या नाम है उसका जो इस साथ घटना हुई? रोहित। अच्छा, बस कहाँ से कहाँ चलती है? बस ये बकेवर से रामा देवी। मथुरा में सदर बाजार के मस्जिद के पास की घटना है, जहां विशेष समुदाय के एक युवक ने युवती से शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म किया। वहीं जब दुष्कर्म पीड़िता ने शादी के लिए कहा तो उसने शादी करने से इनकार कर दिया। इसकी शिकायत जब पीड़िता के पिता ने मस्जिद के सचिव से की, जिसके बाद मौलवी को साजिश के तहत भगा दिया गया। युवती ने 2 दिन पूर्व SSP से मदद की गुहार लगाई। वहीं SSP ने थाना सदर बाजार पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए। इसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर पीड़ित युवती का मेडिकल कराया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, साथ ही SSP के आदेश पर 3 मौलवी, मस्जिद के सचिव और एक अन्य के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। सातुल्लाह वाली मस्जिद में रासिल नाम के मौलाना रहते थे, वो मेरे साथ 1 साल से नाजायज संबंध बनाते रहे। जब मैंने शिकायत इसकी कमेटी वालों से की तो उन्होंने रातों रात फरार करवा दिया। तो आप क्या आपसे शादी करना चाहती हैं उनसे? जी, शादी करना चाहती हूँ। बदनामी हो गई, चारों तरफ फैल गई है, कौन उससे शादी करेगा? तो आपने पुलिस में शिकायत की पुलिस में, तो पुलिस में ये कह दिया कि पहले हम उसका पता लगाते हैं कि कहाँ का रहने वाला। मैंने बता दिया कि मुरादाबाद का, हालत आली किसी वजह से मैं यहाँ पर आई हूँ। तो और कितने लोग थे इसमें शामिल? इसमें सद्दाम हाफिज जी के अड्डे वाले और पुलिस लाइन वाले हाफिज जी हैं, हासिम हाफिज जी। तो आप वो भी मेरे बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं कि नहीं कर, सद्दाम हाफिज जी बाहर से ताला लगा देते थे, इसकी जानकारी पूरी उनको है सारी। पीड़ित युवती द्वारा दी गई तहरीर पे थाना सदर बाजार में ये अभियोग पंजीकृत किया गया है, इसकी जांच की जा रही है, पीड़िता का मेडिकल कराया जा रहा है और मौलवी चूंकि यहाँ पे इस समय नहीं है और बताया जा रहा है कि वो बाहर है, उसके तलाश में हमारी पुलिस टीम निकली हुई है। ये घटना पिछले 1 साल से कारित की जा रही है। वो अपनी बहन को पढ़ाने के लिए मौलवी के पास ले जाती थी, इसी बीच मौलवी से इसके संबंध हुए हैं और आज कल उन्होंने थाने में तारीफ दी थी, जिस पे मुकदमा पंजीकृत।
प्रतापगढ़ के सांगीपुर थाना क्षेत्र में एक युवक ने अपनी पुश्तैनी जमीन पर दबंगों के कब्जा करने का आरोप लगाया है। वहीं पीड़ित का आरोप है कि जमीन पर ऑस्ट्रेलिया जा चुका है। वहीं न्यायालय में मामला विचाराधीन है। साथ ही युवक ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस मामले पर ध्यान नहीं दे रही है। वहीं मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के बावजूद संबंधित अधिकारी मामले पर संज्ञान नहीं ले रहे हैं। सर, मेरा खेत का मामला है और खेत हमारा दबंग है, इनसे गांव जोतता था, चौकीदार हैं और बहुत 35 से 40 साल हमारा हो गया खेत जोतते, और ये 1.5 लाख के धमकी, 1.5 लाख रुपए बता रहे थे। हमारे पिताजी दिमाग के कमज़ोर थे, उनके पास दिमाग नहीं था, दिमाग उनका याददाश्त नहीं चलती थी, वो दिमाग के कमज़ोर थे और उनसे जो है साइन करवा लिए कहीं पे या कैसे कर लिए, वो दिखाने लगे 1.5 लाख का कर्जा का, फिर 8,000 का बयान किए, उसके बाद दीवानी चलने लगी। सर, दीवानी है लेकिन वो जोतते हैं और हमको बोलते हैं तुम खेत में आओगे तो हजार नेट लगा। संभल में बच्चा चोरी की झूठी और भ्रामक अफवाह फैलाने वालों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि पुलिस लगातार जनता से ऐसी अफवाहों से बचने की अपील कर रही है, साथ ही इस तरह की जानकारी मिलने पर पुलिस को सूचित करने की भी अपील कर रही है। पिछले कुछ समय से देश के विभिन्न भागों में बच्चा चोरी को लेकर सोशल मीडिया तथा गांवों में अफवाह फैलाई जाने का काम कुछ लोगों के द्वारा किया जा रहा है। संभल पुलिस के द्वारा इसका संज्ञान लेते हुए गांव-गांव में क्षेत्राधिकारी व थानाध्यक्ष के द्वारा मीटिंग कराते हुए लोगों को इसके बारे में जागरूक किया जा रहा है, जिससे कि वो इस अफवाहों से बच सकें। जनपद संभल में भी 2 ऐसे मामले जिनमें अफवाह फैलाई गई सामने आए, उनकी जाँच कराई गई तो वो पूर्णतः झूठे पाए गए। कोई भी बच्चा चोरी की घटना अभी तक जनपद संभल में नहीं हुई है। संभल में जिला अधिकारी के आदेशों के बावजूद भी झोला छाप डॉक्टर अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। नर्सिंग होम के स्वास्थ्य संबंधी के नियमों को ताक पर रखकर अस्पताल में कई तरह के ऑपरेशन का काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि डॉक्टर मरीजों की जान से खिलवाड़ से पीछे नहीं हट रहे हैं। जिला अधिकारी के सख्त आदेश के बाद भी अवैध रूप से संचालित झोला छाप अस्पतालों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में समय समय पर स्वास्थ्य विभाग शिकायतों के आधार पर कार्यवाही की जा रही है, जबकि स्वास्थ्य विभाग को प्रशासन का सहयोग नहीं मिल रहा है। जनपद संभल में जो झोला छाप डॉक्टर जो है धड़ल्ले से क्लिनिक चला रहे हैं, तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे, आपके विभाग के द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है इन पे? नहीं, हमारे विभाग द्वारा तो पूरी कोशिश है कि ये सब झोला छाप का बंद हो पूरी तरह से, इसीलिए हमने और डीएम सर से मिलके जो है एक टीम भी बनाई इसके लिए कि हर तहसील में उस तहसील का डिप्टी सीएमओ, सीओ और एसडीएम रहे, मिलके काम करें और इस चीज़ को बंद कराएं। लेकिन होता ये है कि एसडीएम और सीओ को टाइम नहीं रहता है, वो जा नहीं पाते हैं, तो खाली डॉक्टर ही जाता है, FIR करके बंद करके आ जाता है, फिर उसके बाद फिर वो खुल जाती है। अब इस पर जो है पुलिस वाले और ये सब लोग कुछ एक्शन नहीं ले पाते। काशी में पितृपक्ष के अवसर पर पितरों की मोक्ष की कामना से हजारों की संख्या में श्रद्धालु का आगमन हो रहा है। इस दौरान मोक्षदायिनी तट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है, जिसके चलते लगातार स्वच्छता अभियान चलाया गया। वहीं पिंडदान कर रही नागरिकों से गंगा में किसी प्रकार की हानिकारक वस्तुओं के विसर्जन को सख्त मना किया गया है। साथ ही गंगा सफाई के लिए अपील करते हुए महानगर संयोजक ने कहा कि गंगा को स्वच्छ रखने से दिवंगत आत्माओं को शांति मिलेगी, इसलिए माँ गंगा को स्वच्छ बनाए रखने में अपना योगदान दे। इस दौरान महानगर संयोजक आदि उपस्थित रहे। फरीदाबाद में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का हंटर चल चुका है, जहां पर हरियाणा के 5 लाख इनामी बदमाश और हिस्ट्री शीटर रह चुका जावेद रहता था। वहीं बड़खल के जमाई कॉलोनी में जावेद के अवैध अतिक्रमणों को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में नगर निगम की टीम ने ध्वस्त कर दिया। साथ ही पुलिस के मुताबिक यह अभियान पूरे हरियाणा में चलाया जा रहा है। जगह गाँव बड़खल की है जी, प्याऊ जमाई कॉलोनी बोलते हैं इसको। जी हाँ। अच्छा, तो क्या अवैध बने हुए थे ये लोग? ये अवैध तो ये वो कम से कम 55 साल की 60 साल की उम्र तो मेरी होगी, कुछ ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तो कुछ भी नहीं है, लेकिन 55 साल से यहाँ पर रह रहे थे। हाँ जी। तो कोई नोटिस दिया गया था खाली करने को? नोटिस दिया गया है, बेवकूफ बनाने वाली बात है, ऐसा कुछ नहीं दिया है। ये सिर्फ जावेद भाई
और इस्लामुद्दीन जी को ये टारगेट बनाए गए। क्यों बनाए गए? मैं तो कल सुशिया ये बंद कर रहा हूँ। ये तो कल ही आप जा भी थे? हाँ जी, ये भाई जा भी थे। अभी छोड़ रहा हूँ मैं तो। ओके, कम से कम भी ना कुछ हो गए होंगे 70 साल। 70 साल से आप रह रहे हैं? हाँ। अच्छा, तो ये इस पे कोई रजिस्ट्री वजिस्ट्री तो कुछ है नहीं आप लोगों के पास? वो तो सबकी ना, जब हमारे पहाड़ को केस चल रहा है तो जब जब हमारे पहाड़ को पैसा मिलेगा, कुछ मुआवजा मिलेगा, जब भी तो हम यहाँ से हटेंगे जी। है? लेकिन आपको यहाँ से तोड़फोड़ करने से पहले कोई नोटिस दिया गया था क्या? हमारे पे कोई नोटिस नहीं आया भाई, कोई नोटिस नहीं आया। ये सिंपल तोड़फोड़ का मामला नहीं है, ये जो भी हमारे गैंगस्टर हैं या उनके सहयोगी हैं जिन्होंने अपने अवैध तरीके से संपत्ति कमाई हुई है, उसके खिलाफ़ कार्रवाई की एक मुहिम है जो पूरे हरियाणा में चलाई जा रही है। उसी मुहिम के तहत हमने आज एक जो मनोज मांगरिया बड़ा गैंगस्टर है उसका गुर्गा था जावेद स्नो फतेली आरो बड़खल, इसकी प्रॉपर्टी चिन्हित करके और इसके खिलाफ़ आज कार्रवाई की गई है। और इसकी जो भी अवैध प्रॉपर्टी थी, अवैध कमाई से बनाई हुई संपत्ति थी, प्रॉपर्टी थी, उसको आज तुड़वाया गया है। खबर महाराजगंज से है, जहां एक तरफ पुलिस बच्चा चोरी को कम करने के लिए जागरूकता अभियान चला रही है, तो वहीं महाराजगंज के गबडुआ में 12 वर्षीय बच्चा घर के गेट से ही गायब हो गया। परिजनों ने बताया कि आज सुबह नमाज से वापस आने पर उनका बच्चा घर पर नहीं मिला, जिसकी जानकारी पुलिस को दी गई। साथ ही सूचना पर पहुंचे पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर बच्चे की तलाश में जुट गई है। आपका बच्चा गायब हुआ है? हाँ, सईद नाम का लड़का गायब हुआ है। कब गायब हुआ है? 6:30 बजे गायब हुआ है। आज सुबह? हाँ, सुबह 6:30 बजे दरवाजा पर से एकदम हमारे बाबू कहीं नहीं गया था। कै वर्ष के थे? 12 साल का था मैं बेटा। खबर हमीरपुर से है, जहां सेशन कोर्ट ने दलितों व ठाकरों के बीच वर्चस्व को लेकर 28 साल पहले हुई घटना पर सुनवाई करते हुए पीड़ितों के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसमें 17 हत्यारोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। वहीं हत्यारोपियों में से 5 की मौत हो चुकी है और 3 आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं। बता दें, इस हत्याकांड में आरोपियों ने बसपा नेता राकेश व उनके पिता को गोली मारकर हत्या कर दी थी। पूरे मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश मोहम्मद असलम के नेतृत्व में की गई। कानपुर में पुलिस की गुंडई का मामला सामने आया, जहां वॉशिंग सेंटर से अवैध वसूली न मिलने पर 2 किशोरियों को पुलिसकर्मी गाड़ी में उठा ले गए और उनकी बेरहमी से पिटाई की। वहीं ग्रामीणों के थाना घेरने के बाद किशोरों को छोड़ दिया गया। बता दें, पूरा मामला कठेरुआ गांव का है। थाना बिधनू कानपुर आउटर में महेंद्र जो निवासी कठेरुआ का है, उसकी प्रकरण में शिकायत संज्ञान में आई है। इसमें 2 सब इंस्पेक्टर और 1 कांस्टेबल को जांच करने के बाद तत्काल इनको निलंबित कर दिया गया है और इस प्रकरण की विभागीय कार्रवाई की जा रही है। अयोध्या के पुरा कलंदर थाने में तैनात एक इंस्पेक्टर के संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इंस्पेक्टर का शव फांसी के फंदे से लटका हुआ पाया गया। आपको बता दें कि बीती रात ही इंस्पेक्टर का तबादला इंस्पेक्टर क्राइम के रूप में हुआ था। वहीं घटना की सूचना मिलते ही SSP अयोध्या, SPCT और CO घटनास्थल पर पहुंचे, घटना का मुआयना कर मृतक दरोगा के परिजनों को सूचना दी। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि परिजनों के बयान के आधार पर आगे की कार्यवाही की जा रही है। बताया जा रहा है कि मृतक दरोगा किन्हीं कारणों से काफी दिनों से तनाव में चल रहे थे। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं।